थोड़ी देर के लिए बाहर के सभी साधनों से हटकर साधना के मार्ग पर अग्रसर होना, पर से स्व की तरफ बढ़ते चले जाना, दूसरे पर उतरी हुई चेतना एकमात्र दुख का कारण है, भटकाव का कारण है। ये विचारों का जगत, अननेसेसरी यूजलेस थॉट्स, तुम जागे जागे देखते रहना। ये सब विचार अपने आप विसर्जित होते चले जाते हैं जब आप अपने प्रति जागते हो। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रखो, बस अंतस के मार्ग पर कदम बढ़ाते चलो। किस्मत के जंग लगे दरवाजों को खुलने में वक्त लगता है। बिखरेगी फिर वही चमक तेरे वजूद से तू महसूस करना। टूटे हुए मन को संवरने में थोड़ा वक्त लगता है। जागे रहना ध्यान के मार्ग पर। ध्यान यानी उमंग, उत्साह, आनंद, एक खुमारी। लेकिन ये खुमारी केवल सुन सुनकर नहीं आएगी। खाली सुन सुनकर आनंद तो आ सकता है, लेकिन खुमारी नहीं आ सकती। खुमारी के लिए तो सुन सुनकर प्रयोग करना होगा, प्रयोग कर करके अनुभव तक पहुंचना होगा, तब आएगी ये खुमारी। है नई खुमारी हर क्षण, हर वक्त, हर पल, एक नया सुख, नया उत्साह, उत्सव ही उत्सव। ध्यान रखना, तुम ही जगमगाते सूर्य हो, तुम्हारे ही प्रकाश में ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब काम कर रही हैं। अगर तुम थोड़ा सा भी अपने स्वभाव में आ जाओ तो पाओगे कि आज तक मन बुद्धि के साथ मैं कहां भटक रही थी, कितनी गुलामी भरी जिंदगी, कितना भिखारीपन, सब कुछ अपने पास ही था मगर अपने प्रकाश की पहचान नहीं थी। लेकिन ये पहचान हो सकती है जैसे जैसे तुम अंतस के रास्ते पर चलोगे। जो वस्तु जहां है उसको वहीं खोजने के लिए उतरना चाहिए। जो वस्तु जहां है ही नहीं, वहां तुम उसे जन्मों जन्मों से ढूंढ रहे हो, आज तक मिली तो नहीं। हर जन्म मौत के हवाले हो गया, किसी जन्म में भी अपने जीवन की याद ना आई, अपने में अस्तित्व में उतरने की प्यास ना जगी। हमें मनुष्य जन्म भी मिला, परंतु हमारे भीतर कभी भी सही विचार की उत्पत्ति नहीं हुई, कभी अंतस की धारा में प्रवेश नहीं हुआ। और वो अनुभूति इसलिए भी नहीं हुई कि हमें कभी जरूरत भी महसूस नहीं हुई, दूसरा कभी परिस्थितिवश जरूरत भी लगी तो हमारा कभी वो पैशन ना बना, हमारा कभी जुनून ना बन पाया। और कई बार पैशन भी बन गया तो कुछ दाव पर लगाने की तैयारी ना थी, हम अपने को ही संभाल कर बैठे रहे, मन बुद्धि के हाथ लगे लगे, और वक्त यूं ही बहता चला गया। बचपन से लेकर आज तक अपनी बैक वीडियो में यानी माइंड के टेलीविजन पर देखना कि किस किस चीज पर हमने सुख का लेबल लगाया, पुण्य के प्रभाव से वो व्यक्ति वो स्थिति मिल भी जाती है, परंतु तुम्हारा सुख तुरंत मेंढक की तरह उछलकर दूसरी वस्तु में चला जाता है,
तुम्हारे सारे सुख इतने ही क्षणिक है। पूरे मनुष्य जीवन हम प्रयास करते रहते हैं कि सुख मिले, लेकिन सुख दौड़कर आगे निकल जाता है। ध्यान रखना, बाहर की भौतिक वस्तुएं सुख के साथ साथ दुख भी अवश्य लाएंगी। इसी से तुम्हारे निरंतर भीतर भाव मरण की घटना घटती चली जाती है। भाव मरण तो एक ही बार होता है, जब तुम इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाते हो, लेकिन ये क्षण क्षण भयंकर भाव मरण यानी निरंतर तुम्हारा भाव मरण होता है, क्योंकि तुम सुख को बाहर ढूंढते हो और बाहर भागने के चक्कर में तुम्हारे भीतर जो सतोगुणी आत्मा है यानी तुम्हारी शुद्धता, शांति, शक्ति, जैसे ही तुम बाहर सुख की कल्पना करते हो, तुम्हारी शांति हिलती है या नहीं, तुम्हारी शुद्धता हिलती है या नहीं, तुम्हारी शक्ति खर्च होती है या नहीं, तुम्हारा ज्ञान अविवेकी होता है या नहीं, तुम्हारा सत्य बोलने की क्षमता कम होती है या नहीं, तुम्हारे भीतर प्रेम और आनंद भी खत्म हो जाता है, यानी निरंतर भाव मरण यानी भीतर सात गुणों का मरना शुरू हो जाता है, जबकि इन सात गुणों का वेदन ही असली सुख का कारण था। लेकिन जैसे ही तुम बाहर से सुख का प्रयास करते हो, वो धीरे धीरे घटता चला जाता है और तुम अपनी ही असली सुख और शांति से वंचित हो जाते हो। लेकिन ये शांति और सुख अभी यही इसी क्षण तुम्हारे भीतर है, और इस सुख को प्राप्त करने के दो ही ढंग हैं। जो आपको पसंद हो वो आप अपने स्वभाव से मैच कर लेना कि मेरे स्वभाव से क्या मैच करता है, फिर उसी मार्ग से चल पड़ना। पहला तो ये, अपनी भक्ति को, अपनी उपासना को, अपनी आराधना को बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि तुम्हारी भक्ति कम है तो तुम्हें जीवन में दुख ज्यादा दिखाई दे रहा है। भक्ति बढ़ाने का ही परिणाम है अकर्ता होना। इतने अकर्ता बनते जाओ कि आपको दुख की अनुभूति कम लगने लगे। दूसरा ढंग है, अपने जीवन से अनावश्यक इच्छाएं, अपेक्षाएं, अहंकार, वासनाएं, कामनाएं निकालते जाओ। लेकिन ये सब इच्छाएं अभी तुम्हारे अस्तित्व के साथ घुल मिल गई हैं। अभी की भूमिका में ये अपेक्षाएं नहीं निकल सकती, इसीलिए अभी की भूमिका में भक्ति का जल बढ़ाते जाओ। बस उसको कर्ता बना दो, उसके हाथ में अपने जीवन की डोर दे दो और अनुभव करना कि तुम कितने हल्के हो जाते हो, कितने निर्भार। यही है परम सुख, मौन, अंतर्मौन। यही है साधना, खामोशियों से मिल रहे खामोशियों के जवाब, खामोशियों से मिल रहे खामोशियों के जवाब। अब कैसे कहूं कि उनसे मेरी बात नहीं होती।